Yes, students, new chapter we are going to start, cash book. As in my business, major transactions are related with cash, inflow of cash and outflow of cash. So instead of preparing cash account, we prepare cash book, because hereby we will be taking both the cash and bank transactions. Bank matlab check wali transaction. चेक का आना और जाना भी इस बुक में रिकॉर्ड होगा, कैश का आना और जाना भी इस बुक में रिकॉर्ड होगा. जब मैं इस बुक को बनाऊंगी, बुक का मतलब इज नथिंग एल्स, बुक का मतलब यहाँ पे अकाउंट ही है, लेकिन दैट अकाउंट इज इन एन एलैबोरेटेड फॉर्म. ठीक है, कैसे बनेगा दैट आई विल टेल यू, बट डेबिट साइड ऑफ कैश बुक आई विल ऑलवेज बी कॉलिंग रिसिप्ट ऑफ कैश एंड चेक. अगर आपको चेक मिलता है या कैश मिलता है तो वो डेबिट साइड पे लिखना है, बिकॉज कैश बुक भी कैश अकाउंट की तरह रियल अकाउंट है. डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश का आना हमेशा डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, चेक का मिलना भी हमेशा डेबिट साइड पे लिखा जाएगा. दिस इज द बेसिक रूल. अब रिवर्स तो आप बना ही लोगे, क्रेडिट क्या होगा? यस, पेमेंट ऑफ कैश एंड पेमेंट इन चेक, ऑफ कैश एंड इन चेक. डन. कैश का आना अगर डेबिट है तो कैश का जाना क्या है? क्रेडिट है. सो इनफ्लो ऑफ कैश इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. ठीक. सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर इट्स फॉर्मेट, एंड दैट फॉर्मेट आई विल बी कॉलिंग डबल कॉलम कैश बुक, क्योंकि एक कॉलम कैश का होगा. अब अमाउंट का एक कॉलम नहीं बनेगा, अमाउंट के दो कॉलम बनेंगे. वन विल बी फॉर कैश ट्रांजेक्शन एंड अदर विल बी फॉर बैंक ट्रांजेक्शन. बैंक मतलब चेक ट्रांजेक्शन, राइट? सो देयर बाय आई एम गोइंग टू प्रिपेयर कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक. एवरीबडी विल पे अटेंशन, नोबडी विल सर्च एनीथिंग फ्रॉम द बुक. बुक की अभी टर्न नहीं आई, अभी सिर्फ मेरे को सुनना है आपको. एज यूजुअल डेट कॉलम, दिस इज फॉर पर्टिकुलर कॉलम. फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ कैश, हो सके तो यहाँ पे जर्नल फोलियो बनाएंगे. लेजर फोलियो छोड़ो, दिस इज अ लेजर भाई, तो जर्नल फोलियो बनाएंगे. फर्स्ट कॉलम आई ऑलवेज सुजेस्ट इफ यू फॉलो बी सी, बी का मतलब बैंक, सी का मतलब कैश. इफ यू फॉलो सी बी देन सेम सीक्वेंस यू विल बी फॉलोइंग ऑन द अदर साइड. यू नीड टू बी सेपरेटेड आई थिंक, एंड यू हैव टू वेयर मास्क टू. दिस इज वॉट I call it, because cash ki jyada transaction hogi, so I will be calling it cash, right? Agar maine idhar cash ka column pehle banaya, to us side pe bhi main cash ka column hi pehle banaungi, interchange nahi kar sakti. Aur aap sabko pata hai, whatever we write on the debit side, same pattern we follow on the credit side. Clear? So hereby again date, hereby particulars, hereby journal folio, narrow sa column. Ye cash ka hai aur ye bank ka hai. And one thing more, I always suggest to, though it, the paper is not going to be subjective, पर आपको तो question की तैयारी करनी है, ऐसे करना है, double page पे या फिर ऐसे horizontally कर. कैश बुक के जब भी question करने हैं horizontally करने हैं, क्योंकि format बड़ा. अगर आपने big register लगाया तो थोड़े narrow column बना के आपका vertically बन सकता है, but better to, जब भी आप practice करोगे question की तो horizontally करना, that will be easy for you, right? This is for, once again, date. This is for particulars. नहीं, payment नहीं लिखेंगे, particulars ही लिखेंगे column के नाम. This is for cash. अगर ऐसे नहीं लिखा जाता तो cash diagonal भी लिख सकते हो आप, right? Then I have, हाँ जी बेटे बोलो क्या हुआ? What happened? पूछना है कुछ? Confusion है? Ledger folio ही है? जर्नल फॉलो होना चाहिए वैसे. अच्छा चलो देख लेते. दिस इज पर्टिकुलर्स, दिस इज डेट. यहां पे लिखो टॉप पे डेबिट, यहां पे लिखो टॉप पे क्रेडिट. सो गर्व वॉज सर्चिंग फ्रॉम द बुक. जो नैरो कॉलम का नाम है कैश बुक में, ही इज इन योर बुक, ही इज कॉलिंग इट ledger folio. Why ledger folio? Because he consider book as separate. Cash book के बाद वो ये imagine करता है कि ledger भी बनाएंगे इसका. ठीक है, तो इसलिए ledger के कौन से पेज के ऊपर cash account होगा, about that he is referring, right? तो narrow column वैसे तो we can skip, no need.
लेकिन अगर आप बनाते हैं तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए, विच कॉलम वी प्रिपेयर, नैरो कॉलम, वी कॉल इट लेजर, बिकॉज लेजर से पोस्टिंग बुक में होगी, जर्नल के बाद लेजर बना होगा और लेजर के बाद कैश बुक बनी होगी, राइट? अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम सेंटेंस, वंस यू आर प्रिपेयरिंग कैश बुक देन देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट. रेपिटेशन है ना, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होगा, सो व्हाई नॉट टू प्रिपेयर ओनली कैश बुक, राइट? लेकिन कई बिजनेस फर्म्स क्या करती हैं, कैश बुक के साथ साथ कैश अकाउंट भी बनाती हैं, तो कैश अकाउंट का पेज नंबर इज बीइंग कॉल्ड लेजर फॉलोइंग, राइट? यस स्टूडेंट, सो दिस इज अ फुल फ्लेज्ड फॉर्मेट ऑफ योर कैश बुक. लेट्स बिगिन. अगेन आई विल बी डूइंग द क्वेश्चन विद माय ओन इमेजिनेशन. मान लो क्वेश्चन स्टार्ट होता है बैलेंस इन हैंड, बैलेंस इन हैंड. फर्स्ट अप्रैल को वो कहता है कैश इन हैंड. कैश इन हैंड का मतलब है ओपनिंग बैलेंस है. ओपनिंग बैलेंस की कभी भी कोई एंट्री नहीं होती क्योंकि कैश मेरा एसेट है. एसेट का मतलब डेबिट बैलेंस है. डेबिट बैलेंस है तो आपने इस साइड पे लिखना है टू बैलेंस प्लॉट. बैलेंस इन बैंक भी तो हो सकता है, बैंक में आपका पड़ा पैसा, तो नो बाय बैलेंस. वो भी बैंक में पड़ा पैसा भी मेरा पॉजिटिव बैलेंस ही है. लेकिन अगर वो क्वेश्चन में लिखता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, यू हैव ड्रॉन इन एक्सेस ऑफ योर बैलेंस अवेलेबल इन द बैंक, दैट इज योर लाइबिलिटी, यू आर लाइबल टू पे इट बैक टू द बैंक. इन दैट केस इफ इट इज अ लाइबिलिटी इट डू हैव ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, तो इस केस में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, लेकिन नॉट इन कैश कॉलम, इन बैंक कॉलम. इधर और होगा, या बैंक का पॉजिटिव बैलेंस होगा या बैंक का क्रेडिट होगा, नेगेटिव होगा. यू आर गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, आगे चलते हैं. मशीनरी ऑफ रुपीज 10,000 परचेज्ड एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक. बिल्कुल ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, सो इट विल बी बाय मशीनरी और अमाउंट आपने बैंक के कॉलम में. हाउ इजी इट इज द वे वी वर डूइंग इन आवर लेजर, द सेम वे वी आर फॉलोइंग हियर. बस वी हैव टू कंसंट्रेट कि इज इट माई कैश ट्रांजेक्शन और माई बैंक ट्रांजेक्शन. डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 1,000 चार्ज्ड ऑन मशीनरी, कौन सी साइड पे? डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 1,000 चार्ज्ड ऑन मशीनरी कौन सी साइड पे? किसी भी साइड पे नहीं आना. डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. एंट्री होनी है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी. कहां पे आया कैश? कहां पे आया, कहां पे गया कैश? एंट्री तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी है भाई. And depreciation is always our known cash expense. Throughout your commerce career, you have to keep this thing in your mind. Depreciation is never a part of your cash book or of your cash account. ठीक बोला मैंने? Salary outstanding of rupees 5,000. Finish entry बोलो. Salary outstanding of rupees 5,000. Very good. Salary outstanding of rupees 5,000. Salary outstanding of rupees 5,000. हाँ, सैलरी अकाउंट डेबिट. आगे आगे. हाँ, सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग का मीनिंग पता है आपको? व्हाट दिस सैलरी आउटस्टैंडिंग मींस? नलिन आप बोलो. हाँ, एंट्री बोलो. गुड. सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, फिर कैश ना आया ना गया, सो दिस इज अ एक्सपेंस व्हिच हैव नॉट बीन येट पेड. यहाँ पे तो वो चीज आनी है कैश के आने और जाने वाली, चेक के आने और जाने वाली. तो यू हैव टू डिफरेंशिएट द आइटम्स गिवन इन द क्वेश्चन. आई विल बी आस्किंग इन एमसीक्यू वेयर और ऑन व्हिच साइड ऑफ कैश बुक यू विल शो सैलरी आउटस्टैंडिंग. योर आंसर विल बी नोवेयर. सो देयर विल बी एन ऑप्शन नोवेयर या नन ऑफ द अबव. ठीक है, सो दिस पॉइंट शुड बी मेड क्लियर इन योर माइंड. दो चीजें मेरे को आपको बतानी है, और दो चीजों में एक को बोलते हैं कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक. Deposited. Nobody will speak अगर आपको आता है. Let me explain to others. Cash deposited into bank and the second is cash withdrawn from bank. Cash withdrawn from bank. मैं दोनों की पहले journal entry करूंगी. Then I will tell you how it is to be treated. किसी को आती है journal entry जब हम bank में पैसा जमा करवाते हैं? Business का पैसा bank to cash. जब हम निकलवाते हैं तो कैश टू बैंक, राइट? अब बेटा जी ये है बैंक टू कैश, मेरे पास तो दोनों कॉलम है. ये वो एंट्री है जो कैश बुक की दोनों साइड पे आनी.
कैसे? बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, कैश का कम होगा। कैश के कॉलम में से विड्रॉल दिखाओ और बैंक के कॉलम में जमा किया हुआ दिखाओ। और कैश बुक के पूरे चैप्टर में वो एंट्री जो कैश बुक की दोनों साइड पे आती है उन्हें हम कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज, दीज आर द एंट्रीज विच आर टू बी शोन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ माय कैश बुक एंड दीज एंट्रीज आर ऑलवेज टू बी डिनोटेड बाय स्मॉल सी इन स्मॉल ब्रैकेट। जब मैं इस एंट्री को शो करूंगी तो आई विल राइट बैंक के कॉलम में बढ़ाना है टू कैश, साथ में छोटा सा सी इन स्मॉल ब्रैकेट, फॉर एग्जाम्पल इट इज 5000। और बाय वाली साइड पे लिखूंगी बाय रिवर्स बाय बैंक, और अमाउंट लिखूंगी कैश के कॉलम में, वहां पे भी छोटा सा मैं स्मॉल सी लिखू। डन। अब अगली एंट्री कैश टू बैंक, करवाओ पोस्टिंग कैश टू बैंक, इधर लिखूंगी टू बैंक रिवर्स, बिल्कुल ठीक। और अमाउंट दूसरे वाले अकाउंट, क्योंकि कैश टू बैंक है, आया है पैसा, कैश का बढ़ना और बैंक का कम होना दिखाना है। अब फॉर एग्जाम्पल दैट इज 4000, साथ में छोटा सा सी इन ऑर्डर टू डिनोट इट अ कॉन्ट्रा एंट्री, इधर क्या लिखेंगे बाय कैश, और अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे, दूसरे वाले कॉलम में बाय कैश, स्मॉल सी इन स्मॉल ब्रैकेट बाय कैश, अमाउंट बैंक के कॉलम में दैट इज 4000। पूरे चैप्टर में दो ही एंट्रीज ऐसी हैं विच आर बीइंग नेम्ड एज कॉन्ट्रा एंड विच आर टू बी शोन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ माय कैश। अगर मैं बोलूं कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स टू कैश, तो एंट्री आएगी ड्रॉइंग टू कैश नहीं ड्रॉइंग्स टू बैंक, बैंक से निकलवाएंगे ड्रॉइंग्स टू बैंक, एंट्री बनेगी बाय ड्रॉइंग्स, और अमाउंट आएगी मान लो अपने बच्चे की फी पे करने की, दिस इज नॉट कॉन्ट्रा माइंडेड, दिस वी आर विथड्रॉइंग फॉर पर्सनल यूज, हैड आई बीन विथड्रॉइंग फॉर बिजनेस यूज तो कॉन्ट्रा है। अगर कुछ नहीं कहता विथड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक तो फॉर ऑफिस यूज, मतलब फॉर बिजनेस यूज, विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज तो ड्रॉइंग्स है, ठीक है। सो डोंट फाइंड अ वर्ड देयर कि लिखा नहीं है किसके लिए, अगर कुछ नहीं लिखा तो बिजनेस यूज के लिए है, अगर पर्सनल यूज के लिए होगा तो वो लिखेगा क्वेश्चन में आपको देगा। For example, that is 15,000 because he wanted to pay the school fee or the college fee of his children. Getting it? So these are the important points. आगे चलते हैं। कुछ बातें हैं जो कैश बुक का क्वेश्चन करने में आपकी हेल्प करेंगे, देखना जरा। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है नहीं? हाँ ठीक है, आगे सुनो। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मनोज, ठीक है। टूडे इज 24, मैंने 22 तारीख को बेचा था मनोज को सामान, तब मैंने एंट्री कर ली थी मनोज टू सेल्स, ठीक है डन, तब ये एंट्री करी, ये वाली एंट्री नहीं आनी। आफ्टर टू डेज मनोज पेड टू मी अ चेक, 24 तारीख को आज मेरे को चेक मिला, तब तो आएगा ना बैंक टू मनोज, ठीक है। तो जिस दिन चेक मिलेगा उस दिन आप उस एंट्री को अपने बैंक कॉलम में लिखेंगे, बैंक टू मनोज, डेबिट साइड पे लिख देंगे टू मनोज, ठीक है डन। दो दिन के बाद वो कहता है चेक रिसीव फ्रॉम मनोज गॉट डिसऑनर्ड, चेक रिसीव फ्रॉम मनोज गॉट डिसऑनर्ड, बिल्कुल ठीक। मनोज टू बैंक, इस एंट्री को रिवर्स कर दो, बाय वाली साइड पे मनोज लिख दो और बैंक में से माइनस कर दो ना पैसा, यू आर गेटिंग मी, ठीक है। सो दिस पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट From Sohan. Again, this is a transaction which we will never record in our books of accounts. हम लोग अपने books of accounts में इसे record नहीं करते. अब देखना 22 तारीख को ही मैंने सामान बेचा और उसी दिन मेरे को चेक मिल गया, ठीक है। एक लाइन में लिखती हूँ, गुड्स सोल्ड एंड a check received, ₹20,000 deposited in the bank, check अपने पास तो रखना नहीं होता, deposited in the bank, next day, अगले दिन बैंक में भेजा, अगले दिन बैंक में भेजा। तो जब तक आप उसे बैंक में नहीं भेजते उसे चेक इन हैंड कहना है भाई,
जब तक आपने उसे बैंक में नहीं भेजा, यू विल बी कॉलिंग इट चेक इन हैंड। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बोलो क्या बनेगी? सेल्स के, सेल्स कभी डेबिट होती है? एंट्री कभी, सेल कभी डेबिट होती है? हाँ। व्हाट विल यू डू? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू सेल, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू सेल। और ये एंट्री तब तक नहीं आएगी कैश बुक में जब तक उसे आप बैंक में नहीं भेज। जब बैंक में भेजेंगे तब एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। अगले दिन भेजा ना, 24 तारीख को अगर आपकी सेल हुई है और आपको चेक मिला है, आपने 25 तारीख को उसे बैंक में भेजा है, कैश बुक में एंट्री 25 को आनी है, 24 को कोई एंट्री नहीं। मींस आपने वो चेक लेके ड्रॉर में रख लिया, अगले दिन अपने क्लर्क या प्यून को भेजा बैंक में जमा करवाने को। सो व्हेनेवर यू आर सेंडिंग इट टू द बैंक, देन ओनली वी विल पासिंग द एंट्री ना। व्हाय अ डे बिफोर? व्हाय अ डे अर्लियर? नहीं, बैंक टू मनोज उसका मतलब होता है उसी दिन, उसी दिन बैंक में भेज दो। अगर खुद कुछ नहीं कहा तो सेम डे वी आर सेंडिंग इट टू द बैंक। अगर खुद लिख देता है सब्सिक्वेंट डे, देन दैट चेक इज नॉट टू बी ट्रीटेड लाइक द बैंक, दैट चेक इज टू बी ट्रीटेड लाइक चेक इन हैंड। दिस इज अ रूल। हियर द कॉम्प्लेक्सिटी कम्स इन द क्वेश्चन। ठीक है, यही कॉम्प्लेक्स पॉइंट। यू आर वेरी मच राइट। व्हेन आई सेल द गुड्स टू मनोज एंड आई रिसीव्ड अ चेक, कुछ नहीं कहा, रिसीव्ड अ चेक मींस मैंने उसी दिन बैंक में भेज दिया। अगर वो खुद लिखता है चेक इज बीइंग सेंट टू बैंक ऑन अ सब्सिक्वेंट डे, ऑन सम सक्सीडिंग डे और आफ्टर टू और थ्री डेज, यू नो चेक की वैलिडिटी 3 महीने है, ठीक है ना? तो आप भूल गए उसी दिन भेजना, या टाइम नहीं था, या बैंक की क्लोजिंग है, यू आर गेटिंग मी? तो वेरी नेक्स्ट डे भेजो, 4 दिन के बाद भेजो, हफ्ते के बाद भेजो, वैलिडिटी 3 महीने है। सो व्हेन एवर यू विल बी सेंडिंग इट ऑन सम सक्सीडिंग डे, देन इट इज टू बी ट्रीटेड लाइक चेक इन हैंड। और जब तक बैंक में नहीं भेजा, बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ाना। यू आर गेटिंग इट? So that is enough for today. बाकी कल continue करेंगे. Thoroughly we will be explaining and we will directly picking a question. ठीक है, जहां पे typical points होंगे, we will be discussing side by side.